फिर एक टर्म हम यूज करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या मतलब है इसका एडिटिव आइडेंटिटी, आप समझते हैं बेटा? ये टर्म पहले यूज करिए, एडिटिव आइडेंटिटी टर्म। ऋषिका बताएं, जतिन बताएं। सर डोंट रिमेम्बर, नहीं ध्यान। ओके जतिन आपको ध्यान है? नो सर। ओके ये हम पहली बार यूज कर रहे हैं इलेवेंथ के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसी संख्या होती है जिसको किसी में भी जोड़ दिया जाए तो उस पर फर्क नहीं पड़ता। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? एक ऐसी संख्या जिसको किसी भी संख्या में जोड़ दिया जाए तो उस संख्या पे फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आप बता सकते हैं ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है? सर जीरो। वेरी गुड, जीरो ही एक ऐसी संख्या है जिसको आप किसी भी संख्या में ऐड कर दो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो है जीरो प्लस अयोटा जीरो, जीरो प्लस अयोटा जीरो। तो जीरो जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, वो एडिटिव आइडेंटिटी है। इस जीरो प्लस अयोटा जीरो को आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड कर दीजिए तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसी ही रहेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो आपका रिजल्ट ये होगा जीरो प्लस अयोटा जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एडिशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, फिर एक होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ये क्या होता है? एडिटिव इनवर्स क्या समझ में आ रहा है इससे? आप इस कैसे समझे? एडिटिव इनवर्स इज ए नंबर विच व्हेन एडेड टू द नंबर कन्वर्ट्स इट टू एडिटिव आइडेंटिटी। समझ में आया? दोबारा बोलता हूँ, एक ऐसी संख्या जिसको हम दूसरी संख्या में जोड़ने से रिजल्ट क्या मिलता है? एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाती है। ऐसी संख्या को हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। मतलब एडिटिव इनवर्स अब उस संख्या को खत्म कर देता है। ओके सर। ऋषिका को समझ में आया? यस सर। कोई संख्या है 5, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? सर -5। -5 को 5 में ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो, दैट इज एडिटिव। तो एडिटिव इनवर्स एक ऐसी संख्या है जिसको हम दूसरे में जोड़ते हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी बना देती है। तो इफ जेड डैश इज एडेड टू जेड गिव्स मी जीरो। डैश को मैं जेड में ऐड कर रहा हूँ, ये मुझे क्या दे दे रहा है रिजल्ट? एडिटिव आइडेंटिटी दे दे रही, जीरो बना दे रही। तो जेड डैश किसके बराबर होगा? व्हाट जेड डैश इज इक्वल टू माइनस जेड के लिए माइनस जेड के एडिटिव इनवर्स, जेड के लिए माइनस जेड के एडिटिव इनवर्स। ऐसा ध्यान रखना, ये दो चीजें खास ध्यान रखनी है कि एडिटिव आइडेंटिटी जो नई टर्म आपने सुनी आज वो है जीरो, एक ऐसी संख्या जिसको किसी में भी जोड़ दें तो क्या होगा? वो संख्या पे कोई असर नहीं डालती, नो इफेक्ट। और एडिटिव इनवर्स क्या होता है? इसको किसी भी संख्या में आप जोड़ दें तो उसका रिजल्ट क्या कर देती है? वो उसको एडिटिव आइडेंटिटी बना दें। ठीक है, तो ये चीजें आपको सही समझ में आई जो हमने आज बात की है? यस सर। यस सर।
तो ये बताएं, टू प्लस थ्री आयोटा का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इफ दिस इज जेड, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? हाँ बेटा, अभी मैंने बताया था जेड डैश क्या होता है, जेड डैश किसके बराबर हो जाता है एडिटिव इनवर्स के अंदर? माइनस जेड, तो माइनस जेड क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ टू प्लस थ्री आयोटा, दैट इज माइनस टू माइनस थ्री आयोटा. दिस इज एडिटिव इनवर्स फॉर दिस. ठीक है, आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्ट जीरो हो जाएगा. दिस इज जेड डैश. ठीक है, यू सी समझ में आई? यस सर. जेड वन है टू प्लस आयोटा, जेड टू है माइनस वन प्लस थ्री आयोटा. ठीक है, व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ जेड वन प्लस जेड टू, व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन प्लस जेड टू? बताएं, वैसे ही ओरल करके बताएं. हाँ बेटा, रियल पार्ट ऑफ जेड वन प्लस जेड टू, जेड वन प्लस जेड टू करेंगे तो रियल पार्ट क्या बनेगा? टू माइनस वन कितना होता है सर? वन. हाँ बेटा, ऋषिका बोलो. सर वन प्लस फोर है बेटा. हाँ, ये वन हो गया, तो रियल पार्ट पूछ रहा हूँ सिर्फ, तो दैट इज वन. और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? दैट इज फोर. ठीक है, हाँ, रिजल्ट आप ठीक बता रहे हो, वन प्लस फोर आयोटा होगा, बट जो हम मांग रहे हैं, जो यहाँ पे लिख के हम पूछना चाह रहे हैं, वो है रियल पार्ट ऑफ दिस दैट इज वन, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस दैट इज फोर. ठीक है, इस प्रकार से हम इनको डील करते हैं. ठीक है, ये सारी बातें समझ में आई बेटा, जो भी हमने डिस्कस किया आज? यस सर.